actually do it, we will further learn. There will be learnings and this document will improve, but the, I think, assurance and the trust that it should build, both for the tax department, for the accounting profession, for the consultants, and for the taxpayer, is that he knows that when the tax audit is done, how it will be done. It is a public document. Thank you. मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि टेक्निकल इशू के, अगर एक दफ़ा ऑडिट शुरू हो जाए, एफबीआर के पास क्या पावर्स है उसको सस्पेंड करने की फॉर एनी रीज़न व्हाट्सएवर? वो समझते हैं कि ऑडिट सही नहीं हो रहा है, ऑडिटर का सिलेक्शन गलत हो गया, ऑडिटी का सिलेक्शन गलत हो गया, या कोई और प्रॉब्लम बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड बाई द ऑडिटर? लॉ जो है वो एफबीआर को जहाँ पे सेलेक्ट करने की पावर देता है, तो वो आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं उसी सेक्शन में. करेक्ट. ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर तो लॉ उसको स्पेसिफिकली एक डीसेलेक्शन का अलग प्रोसेस दे, तो फिर तो आप डिफरेंट सेक्शन लॉ का यूज़ करेंगे. लेकिन जब इस चीज़ को सेपरेटली इनैक्ट नहीं किया गया, तो फिर जो इनैक्टमेंट उसको सिलेक्शन के लिए है, वही डीसेलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी. सो वी विल बी यूजिंग द सेम सेक्शन. तो लेकिन वो एफपीआर डज नॉट इंटेंड टू सस्पेंड ऑडिट्स और टू डी सेलेक्ट केसेस. वी हैव नो सच इंटेंशन टू डू दैट. बट इफ देयर इज सम सीरियस कंप्लेंट आइदर फ्रॉम द टैक्स पेयर और फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी और फ्रॉम द फेलो प्रैक्टिशनर्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर ऑडिट, देन वी कैन सस्पेंड एन ऑडिट एंड लुक एट इट अंडर द सेम सेक्शन. राइट. थैंक यू डॉक्टर साहब. आई मीन शबर साहब, ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ऑडिट प्रोसेस है, टैक्स ऑडिट प्रोसेस, ये सीए प्रोफेशन आई वुड से एंड द फर्म्स इन पर्टिकुलर, क्या उनके लिए कोई इसमें एडवर्सियर, मतलब रेपुटेशन का कोई रिस्क है? फॉर एग्जांपल, देखो ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग, अगर वी डोंट परफॉर्म द जॉब दैट विल नॉट बी गुड फॉर द प्रोफेशन, फॉर द फर्म्स. ठीक है ना. इसके अलावा मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि भाई इसमें कोई नेगेटिव साइड इसकी सीए प्रोफेशन के लिए आप समझते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? देखिए, जो काम हमने लिया है, दिस अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी फ्रेंकली, एंड आई माई सेल्फ एंड असद, वी हैव डिस्कस्ड आवर्स एंड आवर्स बिफोर वी साइन एन एमओयू वेदर वी शुड डू दिस और नॉट डू दिस. एंड इफ यू आस्क मी टू बी अ वेरी प्रूडेंट एंड कंजर्वेटिव अकाउंटेंट, वी शुड हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल. We discussed this, but because there are issues in this, but we felt that there are serious capacity handicaps with this whole exercise may be derailed and particular case may be. देखिए नहीं, इसमें चौथे स्टेकहोल्डर जो ऑडिटर है उसको भी आप ऑडिटर भी आता के भी वो भी इसको फॉर एग्जांपल लेट्स से के भी इफ समवन डजंट गेट अ जॉब. कादिर साहब ने कही थी, असद ने क्लेरिफाई की, वो मैं थोड़ा शायद कादिर साहब उसको या असद उसको समझा सके. देखिए 177 में हो सकता है, नहीं हो सकता, आज आया बाद में आया, ये बड़ी इररिलेवेंट बातें हो रही हैं और मुझे शक है कि ये शायद ये बातें आगे मल्टीप्लाई इसको आगे लोग उसको आगे बात, ये इररिलेवेंट गुफ्तगू है बिल्कुल, क्योंकि आई जी अगले साल हो जाएगा. हो सकता था, नहीं हो सकता था, हो जाता, दीज आर इररिलेवेंट थिंग. आज अगले इस साल नहीं, अगले साल कर देंगे. तो द प्रोफेशन शुड कम आउट ऑफ दीज थिंग. अनफॉर्चुनेटली इन अ कंट्री वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग रादर देन द रियल डिलीवरी ऑफ द थिंग्स. बट इन द होल प्रोसेस वॉट वी हैव सीन द प्रोफेशन इट सेल्फ, टैक्स ऑडिट विल बी अ सवाल होगा और वो इसके लिए पूरी तरह ट्यून नहीं है. और यही बात मैं बार बार असद को और असद में बार बार आप लोग कह रहे हैं, वो इसके लिए ट्यून नहीं है और हमें ट्यून करने के लिए इनको बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा. अकाउंटिंग जानने से टैक्स ऑडिट नहीं हो जाएगा. इसलिए आर ऑल ट्रेन फॉर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, दे नो अकाउंटिंग, बट टैक्स ऑडिट फ्रेमवर्क के अंदर ऑडिट करना इट इज अ डिफिकल्ट इज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. And whether the our people and our system are and our firms are tuned for that state of mind, in my view, they are not. So that, as I said, we have reiterated the council repeatedly that we should have very serious 2 or 3 or 4 training session, get together session to let the people understand that what we are talking about, what is deliverable, what is not deliverable. The profession.
has to and report to the or whosoever they are, this is my auditing answer. And then there will be many people who will be challenging, who will be talking about that, who will be saying, ji, isme ye nahi hai, to ye sahi hai, to hume wo sab cheezo ke liye tayar hona hai. Hamara jo attitude past mein 50 saal mein bana hua hai, 60 saal mein bana hua hai, jo traditionally hamara approach hai, wo ek different, asad ne sahi kaha, ek different format par, different group of people ko report karna hai. Usme accountability concept wo nahi hai, jo aaj hone wala hai. To wo cheez hume apne auditors ko batani hai. Magar isme jo bahut important baat hai, jo mujhe nazar aa rahi hai, ki hume बार वालों को नॉन चार्ट अकाउंट को कैरी करना है कि सर ये आज नहीं तो कल होना है, तो बेहतर इसको आज ही सही तरीके से कर लें, ना कि हम इसको चैलेंज करें कि ये गलत है ये सही है. क्वेश्चन सिलेक्शन, आई थिंक सिलेक्शन इज अ वेरी रेलिवेंट इशू विच इज बीइंग रेज्ड, इज नॉट अ रेलिवेंट इशू. द क्वेश्चन इज कि कैसे करना है. द सेकंड थिंग जो बात बहुत इंपॉर्टेंस के अंदर, जो आपने पता नहीं इसको लोगों ने इसको अभी तक अप्रिशिएट किया या नहीं किया, कि ये सिर्फ कंपनीज के लिए हो रहा है. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं FBR के, कि जितनी कंपनीज हमने कहा था 400 कंपनी की, हमारा असद ने हमने फैसला किया था कि वी कैन नॉट डू मोर देन 450 कंपनी इन अ ईयर. व्हेन फाइनल मिस्टर केम इन दिस ऑफिस एंड वी सेड वी कैन नॉट डू मोर देन 450 कंपनी इन अ ईयर, एंड अनीस साहब और जो FBR वाले, इन्होंने हमारी बात मान ली और 450 के अलावा कोई और केस नहीं कर रही है, विच इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग. बिकॉज अगर ये 450 के अलावा कोई केस खुद करेंगे तो एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू आ जाएगा. एक आदमी ऑडिट हो रहा है एक तरीके और तरीके से, एक आदमी हो रहा है एक और तरीके से ऑडिट. तो ये FBR का आई वुड से उनका बड़ा स्टेप है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन नहीं रखी है साथ में. वो कह रहे हैं यार टोटली कंपनी को आप करें, आप 450 करना चाहते हैं 450 करें, आप 800 करना चाहते हैं 800 करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आप करें. तो मेरा मकसद है, इन्होंने तो बॉल आपके कोर्ट में डाल दी है, अब आप समझते हैं कि आपको आप 800 कर सकते हैं, आप 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, आप 2000 करें. बट इन्होंने अपनी पावर्स को आई वुड से अपनी राइट्स को कंटेल कर लिया है. नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू डिलीवर इट. ठीक है, थैंक यू शबन. इसके साथ ही कभी आप और सवाल का जवाब दे दीजिए कि ताकि कि इसमें नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम टैक्स पेयर की सिचुएशन में टैक्स ऑडिटर क्या करे. लेकिन मेरा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि नॉन कोऑपरेशन की दो शक्लें होंगी. नॉन कोऑपरेशन की पहली शक्ल वो होगी कि वो हमें कानून की गमेरियों में घुसाने की कोशिश करेगा कि जी ये हो सकता है नहीं हो सकता, 177 में गलत है सही है. वो उसमें मैंने अपने मेरे ऑडिटर्स से बात होती, मैंने कहा इस ये हमारा मसला नहीं है, जब मेरा राइट जजमेंट हो जाएगा जब मैं दाखिल हो जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं. ये मसला CBR का है कि वो झगड़ा करे कि 177 में हो रही है नहीं हो रही, मेरा कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है. बट माई व्यू साकिब, माई व्यू इज के वंस नोइंग द असेसीज, नोइंग द असेसीज हियर एंड आई हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्टेस ऑडिट अर्लियर ऑल्सो, वंस द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी रेटिलेशन फ्रॉम द टैक्स पेयर्स. मुझे कोई एक्सपेक्ट नहीं समझ रहा कि रेटिलेशन आएगी. Generally, there are two kind of people. Some people will be happy, and some people will not like it. But I don't think they have much choices. From the audience for question answer session. इसमें मैं सिर्फ एक request करूँगा, जिस तरह मैंने panelists से कहा था request की थी कि be brief. आप लोगों से भी मेरी request यही होगी कि एक तो be brief in asking the question. I know criticism. मैं भी चाहूँ बहुत हो सकता है इसके. फुल ऑफ मतलब ये है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है. रादर देन दैट, इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि भी ये चीज़ को इस तरह बेहतर किया जा सकता है, तो दैट आई विल मतलब ये है कि अप्रिशिएट के इफ यू कंसिडर दैट. बट आई मीन यू आर फ्री टू से व्हाट्स एवर यू वांट टू से. मिस्टर चेयरमैन, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो मगरिब के बाद रख लीजिए. सॉरी सर, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो ऑडियंस क्वेश्चन का टाइम मगरिब की नमाज के बाद रख लीजिए, ताकि कम से कम दिल की भड़ास तो निकाल लें. आप कह दें दो जुमलों के बाद कह दें बस. अब्दुल भाई साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ऑडियंस सारी बैठना चाहती है नमाज के बाद, हमें खतरा है कि नमाज के लिए जाएंगे तो फिर लोग वापस शायद नहीं आएंगे ज्यादा. जिनको इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट से वो बैठेंगे. आने अच्छा, का किसी के घर में मगरिब के बाद टाइम नहीं होता. तो चले आप फरमाइए क्या आप कहना चाह रहे हैं. मतलब कहने के लिए आप दो मिनट के बाद कह देंगे बस, मुख्तसर पहले बता दिया, बोलूं क्या. ये बताइए कि इस हॉल में कितने हैं जिन्होंने टैक्स ऑडिट का एक्सपीरियंस है, ये क्या चीज लेके बैठ गया जिसको हमने सीखा नहीं. अगर हम कभी किसी से इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल, मैकेनिकल. अच्छा सर, मैं